हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम एक कविता पढ़ेंगे। आपने एक चैप्टर पढ़ा था 4, पापा जब बच्चे थे, उसके हमने क्वेश्चन आंसर किए। और हम उसने उस चैप्टर में ये पढ़ा था कि पापा जब बच्चे थे तो उन्होंने क्या क्या सोचा था कि मैं ये बनूँगा, चौकीदार बनूँगा, आइसक्रीम बेचने वाला बनूँगा, बहुत पायलट बनूँगा, तो बहुत कुछ उन्होंने बनने के लिए सोचा था। लेकिन लास्ट में वो बने क्या, क्या बने थे वो, आपको इसका आंसर खुद बताना है। आपने चैप्टर पढ़ा है ना कि पापा क्या बने थे अंत में, तो वह बताना है, क्योंकि बनता कब है इंसान, बड़ा होने के बाद ही बनता है। तो आपको यह आंसर बताना है कि वह अंत में क्या बने थे। और हर बच्चे के जीवन में ये सारी चीज़ें आती रहती है, आपके भी जीवन में ये सब चीज़ें चलेगी। घर में आपसे कोई ना कोई पूछता है, बाहर से कोई भी आता है तो आपको पूछता है, बेटा बड़े होके क्या बनोगे, है ना, पूछते हैं ना। और आपके मन में भी ये चीज़ें रहती है कि हमें बड़े होके क्या बनना है। और बच्चों के हमेशा लक्ष्य बदलते रहते हैं, क्योंकि वे हम किसी हर चीज़ को देख के आकर्षित होते रहते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य बदलते हैं। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है और उसी पे हमें चलना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें जो भी कार्य सीखना है वो उसी के अकॉर्डिंग सीखना है। तो आज जो उलझन हम कविता पढ़ेंगे, ये सुरेंद्र विक्रम की लिखी हुई है। उलझन का मतलब होता है असमंजस की स्थिति, यानी कि कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न हमेशा यह रहता है कि हमें वाकई में क्या बनना चाहिए, क्योंकि दादी कुछ और बनने के लिए कहती है, पापा कुछ और बनने के लिए कहते हैं, मम्मी कुछ और, बुआ कुछ और, मामा जी कुछ और आपके टीचर्स आपके हुनर को देखते हुए आपको कुछ और बनने की सलाह देते हैं, और वाकई में आप कुछ और बनना चाहते हैं। तो बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखिए, ये बच्ची है, इसके अंदर बड़ी कन्फ्यूज़ हो रही है, सोच रही है, असमंजस की स्थिति है, उलझन में पड़ी हुई है कि मुझे क्या बनना चाहिए। ओके, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दादी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दादी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता। यह कविता है आपकी, बहुत अच्छी कविता है, आप इस कविता को याद करेंगे। अब चलिए मैं इसका भावार्थ आपको समझा देती हूँ। पापा कहते बनो डॉक्टर, यानी कि पापा इस बच्चे को कह रहे हैं। कवि कविता के माध्यम से छोटे बच्चों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, छोटे बच्चों को सब अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ बनने के लिए कहा जा रहा है, वही कवि ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो इस कविता में जिस बच्चे के बारे में कहा गया है, वह बच्चा बोल रहा है कि पापा मुझे डॉक्टर बनने के लिए कहते हैं, माँ कहती इंजीनियर, और जबकि मेरी माँ यानी मम्मी जो है वो क्या बनाना चाहती है, इंजीनियर बनाना चाहती है, और भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। भैया क्या कहते हैं, सबसे अच्छा है आजकल कंप्यूटर सीखना, बहुत ज़रूरी है ये वो, तो वो क्या कहते हैं कि सबसे अच्छा क्या है, तुम कंप्यूटर सीखो। अब देखिए, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाचा क्या कहते हैं, प्रोफेसर बनो, यानी कि लेक्चरर बनो, हो आपको कॉलेज में जाके पढ़ाना है। चाची कहती अफसर, और चाची क्या चाहती है कि कोई अफसर बने, IAS या RAS अधिकारी बने। दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, और दीदी क्या कहती है, यानी कि बड़ी बहन, वो कलेक्टर बनाना चाहती है, यानी कि वो भी अफसर बनाना चाहती है। बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, अब बाबा जी यानी दादाजी जो हैं वो क्या चाहते हैं कि उनका पोता फौज में जाए, और फौज में जाने से, फौजी बनने से आप लोग जानते हो सीमा की रक्षा करनी पड़ती है, पूरे देश की रक्षा करनी पड़ती है, और उससे नाम कमाओ। तो दादाजी यह चाहते हैं कि मेरा पोता कहाँ जाए, फौज में जाए और जग में यानी दुनिया में अपना नाम बनाए। ओके, दीदी कहती
घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। अब दीदी क्या कहती है, इससे अच्छा तो बाहर ना जाकर क्या चाहती है कि घर में उद्योग यानी बिजनेस करो। घर का कोई भी बिजनेस कर सकते हो आप, आप दुकान खोल सकते हो किसी भी चीज़ की। तो उसे ही कहा है कि घर का उद्योग, या फिर आप घर में कुछ ऐसी चीज़ें भी बना सकते हो, छोटा मोटा उद्योग भी कर सकते हो। तो उसके लिए दीदी कह रही है, सबकी अलग अलग अभिलाषा यानी सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, मन की आकांक्षाएं हैं, सबका अपना नाता और सबका मुझसे कुछ न कुछ रिश्ता है। नाता यानी मेरा सबके साथ कुछ न कुछ रिश्ता है, यानी कि यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि सभी की बातों को मुझे इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा। सभी ने मुझसे जो आशाएं रखी है, अभिलाषाएं रखी है, मैं उनको तोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे मन की जो उलझन है कोई नहीं समझ पा रहा है। लेकिन बच्चा बोल रहा है कि मेरे मन की उलझन क्या है कि अब मैं इनमें से क्या बनूं, क्योंकि पापा भी अपनी जगह सही है, मम्मी भी सही है, दादी दादा सब सही है, दीदी सही है, लेकिन मैं सब कुछ तो एक साथ नहीं कर सकता। तो बच्चा मन में अपने उलझ के रह गया है कि मुझे क्या बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हम यह सीख रहे हैं कि वाकई में जीवन में ये सारी घटनाएं सबके ही घटित होती है। सबके मम्मी पापा भैया भाभी दादाजी सब अलग अलग तरीके से राय देते हैं कि आपको ये बनना है वो बनना है, लेकिन आपको बनना वही है जिसमें आपकी रुचि है, जो आपको वाकई में जो कार्य करना अच्छा लगे वही आपको बनना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी का थोपा हुआ काम अगर हम करते हैं तो वह हमसे अच्छी तरह से नहीं होता है। हमें सब अपनी अपनी राय ज़रूर देते हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, मना नहीं करना चाहिए, लेकिन उन सब से कुछ ना कुछ सीख के और हमें वह बनना चाहिए जिसमें हमारी रुचि है, और वही उसी काम को करना चाहिए। इस कविता को आप अच्छे से रीड करेंगे और इसके भाव को समझेंगे, और आप क्या बनना चाहते हैं यह आप मुझे बताएंगे, और आपके मम्मी पापा आपको क्या बनाना चाहते हैं वह भी बताएंगे। ओके, थैंक यू।